अगर ये वाकई लोग इस मीर जाफर को पसंद करते तो इलेक्शन में जीत जाओ, लेकिन ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएगा। ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएगा कि इसने पहले आके हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई करनी है। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। बात सुनो पाकिस्तानी मीर जाफर, गौर से बात सुनो। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। और मैं आप सबके सामने दावा करता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की पॉलिटिकल फंड रेजिंग है पाकिस्तान की तारीख में और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। ये मैं आपको शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं, ये क्या करेंगे, हर जगह पहले अपने अंपायर खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अभी अपने लोग भरेंगे ताकि इलेक्शन में धांधली करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लेके आएंगे, एफआईए के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि धांधली करके किसी तरह मीर जाफर फिर आ जाए। मैं आज सारे पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि हम मजबूत इदारे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारों को किसी तरह कोई कमजोर करे। मजबूत इदारे मजबूत कौम बनती है। लेकिन ये जो करने जा रहा है, जो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, मेरा पैगाम सुन लो कि अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। मेरी जमात और जितने भी हमारे लोग निकल रहे हैं, मेरा सबको पैगाम है कि हमने पूरा रहना, हमने कभी किसी किस्म की टकराव की सियासत नहीं करनी।